ये है देसी ढोलकपुर और मैं हूँ यहाँ का छोटू भीम। चुटकी यहाँ आओ। हाँ बोलो भीम। मेरे बाइसेप देखो कुछ बड़े हैं या उतने ही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है भीम कि ये उतने ही हैं। इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा। अगर हम कंपटीशन हार गए तो ढोलकपुर में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भीम काले और ढोलू बोलू भी फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ सही कह रहे हो जग्गू, लेकिन मैं अपना मजाक नहीं बनने दूंगा। मैं ये कंपटीशन जीत के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भीम मैं ना तुम्हारे लिए लड्डू लेके आती हूँ, तुम उसे खा के जिम करना, तुम्हें शक्ति मिलेगी। हाँ सही कह रही हो तुम चुटकी, जाओ और मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। भीम मैं भी चुटकी के साथ जाऊंगा। और भीम मैं भी जाऊंगा। नहीं चुटकी के साथ सिर्फ राजू ही जाएगा। और राजू चुटकी का ध्यान रखना क्योंकि जंगल का रास्ता कुछ भी हो सकता है। ठीक है भीम। चलो राजू लड्डू लेके आते हैं। हाँ चलो चुटकी। ठीक है भीम हम जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं, तुम तब तक जिम करो। ठीक है। जल्दी से लड्डू चल के भीम को दे देती हूँ, वो खाएगा और उसे ताकत मिलेगी, फिर वो कंपटीशन जीत जाएगा। उफ़, ये राजू कहाँ चला गया, हमेशा मुझे अकेला छोड़ देता है। राजू 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 लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। बोलू मुझे लगता है चुटकी ना भीम के लिए लड्डू लेके जा रही है। हाँ तुम सही कह रहे हो डोलू। तो हमें क्या करना चाहिए बोलू? चुटकी के सारे लड्डू छीन के उस्ताद के पास लेके जाना चाहिए। और भीम के लड्डू देख के उस्ताद खुश हो गए तो हमें इनाम भी देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो डोलू। डोलू बोलू मेरा रास्ता छोड़ दो। चुपचाप ये सारे लड्डू हमें दे दो वरना मैं बंदूक मार दूंगा। बंदूक कैसे मारते डोलू, गोली मारते है। हाँ भाई 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 मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम मर जाओगी। डोलू बोलू चुपचाप ये बंदूक नीचे कर दो वरना मैं भीम को बुला लूंगी। डोलू मैं तो कह रहा हूँ जाके लड्डू की प्लेट छीन लो। अब क्या करूँ, ये राजू भी पता नहीं कहाँ चला गया। उस्ताद! 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 ढोलू बोलू आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। कालिया अगर मैंने भीम को बुला लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ बुला लो मैं भी देखता हूँ। उस्ताद ये लो लड्डू खाओ। क्या हुआ चुटकी? भीम जब मैं यहाँ से लड्डू लेके जा रही थी तो राजू मैंने तुमको चुटकी के साथ रहने के लिए बोला था ना। भीम वो ना मैं जंगल में रुक के केले खाने लगा था। भीम राजू को इसकी सजा देनी पड़ेगी। हाँ तुम सही कह रहे हो जग्गू, राजू को इसकी सजा जरूर मिलेगी। और रही बात कालिया की तो इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। भीम तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है तू मेरी मार भूल रहा है कालिया। मुझे तो ऐसा लगता है तुम कुछ भूल रहे हो भीम।
चुटकी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भीम, कालिया ने तुम्हारे सारे लड्डू खा लिए, अब उसके अंदर शक्ति आ गई है, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है। मुझे पता है तुमने मेरे लड्डू खा लिए है कालिया, लेकिन वो लड्डू सिर्फ मुझे शक्ति देते हैं, किसी और को नहीं। ओह, मैं तो डर गया, अब क्या करूं? उस्ताद, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हाँ बोलो डोलू। उस्ताद, मैं तो कह रहा हूँ आप और भीम ने एक कंपटीशन रख लो, और भीम जीत गया तो हम उसे बदले में नए लड्डू दे देंगे। वैसे मुझे तो पता ही है जीतोगे आप ही। हाँ उस्ताद, डोलू बिल्कुल सही कह रहा है। भीम, अगर तुम्हें तुम्हारे लड्डू चाहिए तो तुम्हें एक कॉम्पिटिशन रखना होगा, और अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें नए लड्डू ला के दूंगा। हमें मंजूर है कालिया, बताओ कौन सा कॉम्पिटिशन करना है। भीम, मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट का कॉम्पिटिशन रख लेते हैं। हाँ भीम, राजू बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे ढोलकपुर की फील्ड में क्रिकेट का कॉम्पिटिशन होगा। अगर कालिया की टीम जीत जाती है तो वो हमें लड्डू वापस नहीं करेगी, और अगर मेरी टीम जीत जाती है तो कालिया को लड्डू वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है भीम, हमें मंजूर है। जीतेगा तो भीम ही। जीतेंगे तो हमारे कालिया उस्ताद ही। जीतेगा तो भीम ही। कालिया उस्ताद जिंदाबाद। सुनो ढोलकपुर वासियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्रिकेट मैच में, जहां एक तरफ है भीम की टीम और दूसरी तरफ है कालिया की टीम। तो बजाओ जोरदार तालियां। तो दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं और अब दोनों के बीच टॉस होगा। भीम ने हेड चुना है और कालिया ने टेल चुना है, तो देखते हैं कौन जीतता है। टॉस तो मैं ही जीतूंगा। देखते हैं। देखा डोलू बोलू, मैं जीत गया टॉस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कालिया की टीम जीत चुकी है और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया है। अभी तो मैच बाकी है। तो कालिया की टीम से सबसे पहले बैटिंग करने आ रहे हैं खुद कालिया, और बॉलिंग कर रहे हैं भीम। और ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कालिया आउट हो चुके हैं। और अब खेलने आ रहे हैं डोलू, देखते हैं ये क्या कमाल दिखाते हैं। और भोलू भी आउट हो चुके हैं अब, और अब खेलने आ रहे हैं भोलू, देखते हैं ये कमाल करते हैं। और ये टीम के आखिरी प्लेयर बचे हैं। कालिया की टीम के आखिरी प्लेयर भोलू भी आउट हो चुके हैं, और कालिया की टीम ने बनाए हैं कुल 86 रन।
और भीम की टीम को जीतने के लिए चाहिए 87 रन। तो अब भीम की टीम खेलेगी, तो देखते हैं भीम की टीम में से सबसे पहले कौन खेलने आता है। और भीम ने सबसे पहले जग्गू को खेलने के लिए भेजा है, तो देखते हैं ये क्या कमाल दिखाते हैं। और जग्गू सिर्फ 8 रन बना के आउट हो चुके हैं। और भीम की टीम सब खेलने के लिए आ रहा है राजू, तो देखते हैं ये क्या कमाल दिखाते हैं। और राजू आता है पहली बॉल पर, राजू ने मार दिया छक्का, क्या बात है राजू। दूसरी गेंद राजू की तरफ जा रही है, और ये क्या, राजू सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भीम की टीम में से 2 प्लेयर आउट हो चुके हैं और रन बने हैं कुल 14। और अब भीम की टीम में से चुटकी खेलने के लिए आ रही है, देखते हैं ये रन बना पाती है या नहीं। तो चुटकी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, चुटकी ने फिर से मारा है शॉट, चुटकी दौड़ रही है, और ये क्या, चुटकी रन आउट हो गई है। और अब सिर्फ भीम बचे हैं उनकी टीम में और रन बनाने हैं 56। तो देखते हैं भीम की टीम जीत पाती है या नहीं। तो अब भीम की टीम से खेलने आ रहे हैं खुद भीम, कालिया बॉलिंग कर रहे हैं, और ये कालिया ने भीम को बॉल डाली, और ये क्या, भीम तो मार ही नहीं पा रहे हैं। कालिया फिर से बॉलिंग करते हुए, और ये क्या, भीम फिर से चूक गए, ऐसे कैसे चलेगा। कालिया फिर से बॉलिंग के लिए तैयार, भीम भी तैयार, कालिया ने फिर से बॉल डाली और भीम फिर से चूक गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि भीम की टीम जीत पाएगी। ये भीम छक्के चौके क्यों नहीं मार पा रहे हैं। भीम तो भीम ने लड्डू खा लिए हैं, और उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर शक्तियां आ गई हैं। कालिया फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, और भीम फिर से बैटिंग के लिए तैयार। कालिया ने बॉल डाल दिया और भीम ने चौथी बॉल में घुमा के मार दिया है 6 रन, क्या बात है भीम। कालिया बॉल डालते जा रहे हैं, भीम का बैट रुक नहीं रहा है, भीम ने फिर से 6 रन मार दिया है, क्या बात है भीम। और अब भीम को चाहिए जीतने के लिए 6 रन, वो भी बस एक गेंद पर। तो देखते हैं भीम रन बना पाते हैं या नहीं। कालिया बॉल डालने के लिए तैयार, बॉल पे नजरें गिरा ली है, और देखते हैं वो मार पाते हैं या नहीं। और कालिया ने बॉल डाल दिया, भीम ने क्या बात है घुमा के मार दिया है 6 रन, तो बहुत खुशी के साथ भीम की टीम जीत चुकी है, और भीम की टीम के हो गए हैं 87 रन पूरे, और कालिया की टीम हार चुकी है।
देखा कालिया, हम जीत गए और तुम लोग हार गए। अब चुपचाप जाओ दूसरे गांव और मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। नहीं चुटकी, हमें लड्डू वापस नहीं चाहिए। मैं तो कालिया को सिर्फ ये बताना चाहता था कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। सॉरी मीम। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।